गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फंक्शन के अंदर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, वर्कशीट के क्वेश्चंस किए थे हमने, मॉडल क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। अब कुछ और टिपिकल क्वेश्चन और लेते हैं जो कि इनवर्स फंक्शन पे और कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, कल हमने कुछ इनवर्स क्वेश्चन का इनवर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए भी थे, आज और करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, देन एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स की वैल्यू हमको निकालनी है जो कि किसके इक्विवेलेंट होगी, वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, या फिर वन अपॉन वन प्लस एक्स, या वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, या फिर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो कल भी हमने इस टाइप क्वेश्चन किया था कि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दे रखा है और एफ इनवर्स फॉर्म निकालनी है। तो हमें पता है कि वाई को ही हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं, और एफ एक्स हमारे पास है क्या, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब इनवर्स फॉर्म भी यहीं से हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इनवर्स फॉर्म, कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई में निकाल लेते हैं। तो यहां से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। यहां से जब वैल्यू निकालेंगे आप शिफ्टिंग करके तो क्या निकल रहा है, वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। एक्स कॉमन लिया आपने तो क्या टर्म बच रही है, वन माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आई यहां पर, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वाई अपॉन वन माइनस वाई। ये आ गया आपके पास एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, और एक्स किसके इक्विवेलेंट था, एफ इनवर्स वाई के इक्विवेलेंट था। तो आपके पास एफ इनवर्स वाई की वैल्यू हो गई वाई अपॉन वन माइनस वाई, जबकि ऑप्शन में आपके पास क्या दे रखे हैं कि वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स, इस टाइप से एक्स फॉर्म में दे रखे हैं, और पूछा भी आपसे एफ इनवर्स एक्स है। तो क्या सॉल्व करेंगे, तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि एफ इनवर्स वाई आपके पास है, तो एफ इनवर्स जीरो की वैल्यू जब आपसे पूछी जा रही है तो क्या आ रहा है, जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, और अगर एफ इनवर्स वन की वैल्यू पूछी जा रही है तो क्या आ रहा है, वन अपॉन वन, तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वन माइनस वन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। एफ इनवर्स टू की वैल्यू जब हम देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, टू अपॉन वन माइनस टू, मतलब के माइनस का टू। तो एफ इनवर्स मतलब जो भी हम वैल्यू बोल रहे हैं वो y की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, तो एफ इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां जहां y है वहां x आ जाएगा, तो ये हो गया x अपॉन वन माइनस एक्स। क्लियर हुआ, तो क्या ऑप्शन मिला आपको, डी ऑप्शन आया सन में इनवर्स फॉर्म। और क्वेश्चन लेते हैं इनवर्स पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, क्या है हमारे पास फंक्शन, टेन टू द पावर एक्स माइनस टेन टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय टेन टू द पावर एक्स प्लस टेन टू द पावर माइनस एक्स इज, ऑप्शन क्या है, वन बाय टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स टू द बेस टेन, मतलब बेस क्या है इसका, टेन है। सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू द बेस टेन। सी ऑप्शन है लॉग टू एक्स अपॉन टू माइनस एक्स टू द बेस टेन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये क्लियर हो गया कि इसको हमको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इनवर्स फॉर्म पूछी है तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं लॉग फॉर्म में कैसे जा रहा है। तो ये आपके पास फंक्शन है, इसको आप लिख रहे हैं वाई इक्वल टू टेन टू द पावर एक्स माइनस, अब ये टेन टू द पावर माइनस एक्स है तो इसको इनवर्स फॉर्म के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन टू द पावर एक्स होल डिवाइड बाय, ये टर्म है टेन टू द पावर एक्स प्लस ये इनवर्स फॉर्म है तो आप लिख सकते हो वन अपॉन टेन टू द पावर एक्स। इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, टेन टू द पावर टू एक्स लिख सकते हैं इसको, या टेन एक्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं टेन टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको, और ये माइनस का वन डिवाइड में टेन टू द पावर एक्स बचता, लेकिन यहाँ पर भी टेन टू द पावर एक्स बच रहा था जो कि कैंसिल आउट हो जाते, तो ये टेन टू द पावर ये भी टू एक्स प्लस का वन बच रहा है, तो ये वाई इक्वल टू आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, हमको चाहिए एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो जब भी लास्ट क्वेश्चन में हमने जो किया था वही कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए वाई इन टू टेन टू द पावर टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में क्या बच गया, टेन टू द पावर टू एक्स माइनस का वन। अब टेन टू द पावर टू एक्स वाली टर्म
एक तरफ करते हैं और इसको इधर वन को माइनस वन को इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया वन प्लस वाई इज इक्वल टू टेन टू द पावर टू एक्स माइनस टेन टू द पावर टू एक्स इन टू वाई। यहाँ से टेन टू द पावर टू एक्स कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो क्या टर्म बच गई, वन माइनस वाई। तो ये वन माइनस वाई कैंसिल आउट करके हम यहाँ नीचे ले आते हैं वन माइनस वाई, तो आपके पास टर्म क्या बच गई, वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई इज इक्वल टू टेन टू द पावर टू एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमको चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स कैसे निकल सकता है ये पावर फॉर्म में, तो आपको ये क्लियर है कि ए टू द पावर बी है, ठीक है। अगर हम लॉग लेते हैं, लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा, तो अगर हमने लॉग लिया तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ए टू द पावर बी, और बी ए टू द पावर बी है तो ये बी कट के कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। तो आपका ओवरऑल फॉर्म क्या बन जाएगा, बी लॉग ए। अब यहाँ पर टेन है और ओवरऑल बेस में क्या दे रखा है, टेन दे रखा है, तो हम बेस टेन ही लेके चलते हैं, जिससे हमारे लिए लॉगरिथम फॉर्म यहाँ से हट जाएगा। क्योंकि आपको एक टर्म और पता थी कि लॉग ए की वैल्यू और उसका बेस भी अगर ए है तो वो कट के क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। लॉग ई है, अगर उसका बेस भी ई है तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। लॉग अगर टेन की वैल्यू पूछी जा रही है, उसका बेस भी टेन है तो वो क्या बन जाता है, वन बन जाता है। इसलिए हम टेन बेस कंसिडर करते हैं। तो अब हमने क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो इधर तो बन गया लॉग वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, और इधर बन गया लॉग टेन टू द पावर टू एक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? बोथ साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो इस टर्म को तो एज इज रहने देते हैं, यहां से एक्स फॉर्म निकालते हैं। अब ये फॉर्म क्या बन गई, ए टू द पावर बी वाली फॉर्म, और बी कहाँ आ गया, आगे। तो हमारी टर्म क्या बच रही है, ये टर्म सॉल्व होके, ये तो एस चीज है लॉग वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये टर्म तो एस चीज है। ये हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू लॉग टेन। अब देखिए लॉग टेन, हमको सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए तो लॉग टेन हटाना है, तो हम क्या लेते हैं, बेस बोथ साइड बेस जो ले रहे हैं वो क्या कंसिडर कर लें, टेन कर लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड बेस क्या कंसिडर कर लिया हमने, टेन बेस। जब हमने लॉग लिया किस बेस पे लिया, टेन बेस पे लिया, ठीक है। जब हम कंसिडर ही कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या ले लिया, बोथ साइड टेन बेस ले लिया। तो इधर तो ये ऐसी रहा, इधर ये टर्म हटके ये टर्म क्या बन गई, वन। अभी आपने देखा था कि लॉग ए की वैल्यू टू द बेस ए वन होती है, लॉग ई की वैल्यू टू द बेस ई क्या होती है, वन होती है। ऐसे ही लॉग टेन की वैल्यू टू द बेस टेन क्या हो जाएगी, वन। मतलब जिसकी वैल्यू हम देख रहे हैं लॉगरिथम फॉर्म में, अगर उसका बेस भी सेम है तो वो आंसर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। कैसे, टेन टू द पावर वन थी कि आंसर कितना आ गया, टेन आ गया। ए टू द पावर वन थी कि आंसर कितना आ गया, ए आ गया। ई टू द पावर वन थी कि आंसर कितना आ गया, ई आ गया। तो ये टर्म हटी कितना बन गया, वन। तो यहां सिर्फ क्या बचा, टू एक्स। तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो वन बाय टू लॉग टू द बेस टेन, और वैल्यू है आपके पास वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये वैल्यू आई। और ये टर्म एक्स जो आप निकाल रहे थे, तो एक्स को आपने क्या लिया था कि वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो एफ इनवर्स वाई किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्स के इक्विवेलेंट। तो ये आपने टर्म क्या निकाली थी, एफ इनवर्स वाई। अब ये एफ इनवर्स वाई मतलब कि एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जबकि ऑप्शन में क्या है, एक्स फॉर्म में। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपने किया था, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से। तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू हाफ ऑफ लॉग वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई टू द बेस टेन है, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां वाई था हमने उसको रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स से। तो ये टर्म बन गई वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स टू द बेस टेन, जो कि ऑप्शन है आपके पास। ये कौन सा ऑप्शन मिल गया, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, ये आपको मिल गया ए ऑप्शन। क्लियर हुआ आया सन में, आया क्लियर हो गया। बाकी और लॉगरिथम आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जब हम लॉगरिथम टॉपिक स्टार्ट करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतने कोई टिपिकल प्रॉपर्टी नहीं थी, अभी तो सिंपल बेस ही फॉर्म अपन यूज में ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द फंक्शन एफ बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस थ्री एक्स देन एफ इनवर्स एक्स। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा, या तो ऑप्शन ए एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस टू, या फिर थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, या फिर सी ऑप्शन एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस टू, या फिर लास्ट ऑप्शन है टू एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस थ्री एक्स।
तो अभी इतने क्वेश्चंस किए इनवर्स फॉर्म में, क्लियर हो जाना चाहिए। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। और जिनको क्लियर नहीं हुआ अभी भी, वो यहाँ देखिए, सिंपल सी कि इनवर्स फॉर्म है तो हमको क्या करना है कि y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो हम क्या सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकालते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू y था, तो y हमारे पास क्या था, 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 3xy इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x वाली टर्म हमने एक तरफ कर दी, इसको उधर शिफ्ट किया तो ये बन गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3xy। यहाँ से x हम कॉमन ले रहे हैं और इधर लेफ्ट हैंड साइड तो y माइनस 1 ही है, तो ये x 2 प्लस 3y। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, y माइनस 1, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 प्लस 3y, ये x की वैल्यू आई। और x को हमने क्या ले रखा है, f इनवर्स y। तो इनवर्स फॉर्म के अकॉर्डिंग f इनवर्स y की वैल्यू आ गई हमारे पास y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y, जबकि ऑप्शन में हमारे पास x फॉर्म में दे रखा है। तो f y जो फॉर्म है इसको रिप्लेस करते हैं हम x से, तो f इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x है कहीं ऑप्शन में, ये हमारे पास ए ऑप्शन है। क्लियर हुआ, आया सर में इजी क्वेश्चन था, क्लियर बताना चाहिए अब तो इनवर्स फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको फाइंड करनी है देन एंड एफ इनवर्स 17 की वैल्यू क्या होगी एंड एफ इनवर्स माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, जो कि ऑप्शन है 4 1, 4 0, 3 एंड 2, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए वापस फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी तक जो हम कर रहे थे उसी फॉर्म से आपको करना है, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ इनवर्स 17 की ऑफ एफ इनवर्स माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है वाई इक्वल टू एफ एक्स हम बोलते हैं, और सॉल्व करके क्या निकलता है, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 1, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, और x हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स y, तो f इनवर्स y की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 1, ये आ गई। अगर आप इसको x में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं कि f इनवर्स, और कर ही लिया कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे x फॉर्म में ही पूछेगा, तो आप जब भी इस इनवर्स फॉर्म में आए तो आप x में कन्वर्ट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो ये f इनवर्स ये हो गई आपके पास x माइनस 1, ये f इनवर्स x की वैल्यू होगी। अब जो भी आपसे वैल्यू पूछी है, f इनवर्स 17 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो f इनवर्स 17 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 माइनस 1, और 17 माइनस 1 आप सॉल्व कर रहे हो तो ये 16, ये तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ जब आप सॉल्व कर रहे हो तो 17 माइनस 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस 4। और एफ इनवर्स माइनस 3 भी सॉल्व करना है आपको, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह पुट किया माइनस 3 माइनस 1, तो क्या आ रहा है सॉल्व करके, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4। तो अंडर रूट ऑफ माइनस 4 और अंडर रूट में माइनस कंडीशन आती है तो आप क्या बोलते हो, इमेजिनरी आयटा फॉर्म, लेकिन आयटा फॉर्म में हमारे पास आंसर दे नहीं रखा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिससे हम, क्योंकि वो डोमेन ही कंसिडर नहीं करता है ना, अंडर रूट में माइनस कंडीशन आनी नहीं चाहिए। तो आप इसे क्या लिख रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल, इससे वैल्यू हमारी कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं या वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, अंडर रूट ऑफ माइनस 4 हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आंसर क्या रहा, प्लस माइनस 4, जबकि आंसर में क्या है, 4 एंड 1, 4 एंड 0, 3 2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है हमारा आंसर, नन ऑफ दिस, कोई भी आंसर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। क्लियर हुआ, आया सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ क्या बता रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड जी, एफ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड जी, जी क्या है, मॉडुलस फंक्शन, देन जी ऑफ एफ, इसे बोलते हैं गॉफ, गॉफ फंक्शन माइनस 5/3 की वैल्यू एंड माइनस फॉग f ऑफ g कितना है, -5/3 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 -1, 2 एंड 4, ये हमारे पास क्या है,
कंपोजिट फंक्शन वाले पार्ट है। कंपोजिट फंक्शन आप 12th में देखेंगे, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंपोजिट फंक्शन जैसे लिखा हुआ है जी ऑफ एफ, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो जी ऑफ एफ का मतलब किस फॉर्म पे देख रहे हैं हम, एक्स फॉर्म में देख रहे हैं। तो इस ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। इसको आप क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हो जी ऑफ एफ एक्स। अब क्लियर हो गया, पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर जो आएगा हम जी में पुट कर देंगे। क्लियर हो गया, इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली एफ ऑफ जी है, आप एक्स फॉर्म पे देख रहे हो, एक्स फंक्शन पे चेक कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। जैसे आप एफ एक्स फंक्शन देखते हैं, ठीक है, तो वो एफ ऑफ जी एक्स, जहां जहां एक्स है वहां क्या रिप्लेस कर देंगे, जी एक्स। और यहां पर जी एक्स फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पुट क्या कर देंगे, एफ एक्स कर देंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, एफ फंक्शन तो हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एफ एक्स तो हमने माना क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके लिए आपको क्लियर है कि x belongs to any real number, ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका रेंज क्या आता है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, क्लियर है ना। x कुछ भी पुट कर सकते हैं लेकिन आंसर क्या आता है, इंटीजर वैल्यू। और gx हमारे पास क्या है, gx क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के क्या आंसर है कि x belongs to any real number, ठीक है, और रेंज क्या आता है इसका, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है, तो ये दो फंक्शन हमें डिफाइन कर रखे हैं और हमसे पूछा है गॉफ ऑफ दिस एंड फॉग ऑफ दिस। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, गॉफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, वो मतलब होता है ऑफ, जैसे एफ ऑफ एक्स बोलते हैं ना अपन इसको, इसको क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, इसको क्या बोलेंगे जी ऑफ एक्स, ऐसे ही जी ऑफ एफ एक्स के लिए बात हो रही है। तो क्या बोला जा रहा है, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी इंटू एफ एक्स, जी फॉर्म और एफ एक्स के लिए देख रहे हैं। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हो रहा है, एफ ऑफ जी एक्स, वो मतलब जो आप ये लिखते हैं ना स्टेप से एफ एक्स, ये फॉर्म इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। ये हुआ, तो अब इसको जब हम देख रहे हैं गॉफ ऑफ एक्स, वापस देखिए गॉफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स आपने लिखा क्या, या फिर पहले आप इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए, जैसे कि -5/3 है, तो एफ -5/3, पहले हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, वो अपने लिए बेटर होगा। तो यहां से जब हम एफ -5/3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, और एफ -5/3 के लिए फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो -5/3 का मतलब 1 point something आंसर आ रहा है, और -1 point something ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में है, तो क्या देगा, माइनस का 2 देगा। तो मतलब एफ -5/3 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 2, ये ध्यान रखिए। सिमिलरली जी ऑफ -5/3 की वैल्यू क्या होगी, और जी फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, तो -5/3, ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन में था, तो ये ओवरऑल आंसर क्या देगा हमें, 5/3 देगा। क्लियर हुआ, पॉजिटिव मॉडुलस क्या देगा हमें, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो जी -5/3 की वैल्यू क्या हुई, 5/3। अब इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं गॉफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स किस फॉर्म पे देख रहे हैं आप, -5/3 पे, तो हम बात कर रहे हैं जी ऑफ, या फिर ऐसे बोल दीजिए एट एक्स इक्वल टू -5/3, तो क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ -5/3, इस टाइप से लिखा हमने। अब एफ -5/3 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये ब्रैकेट में है ना, जैसे जी एक्स है ये फॉर्म है, तो यह x के लिए लिख दिया अपन ने, तो अब जी एक्स, तो सबसे पहले तो ये फॉर्म बन रही है, इसकी वैल्यू है पता हमें, तो f -5/3 की वैल्यू क्या थी, -2, तो आप इसको लिख सकते हो ना, इस पूरी फॉर्म की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का 2 लिख सकते हो ना। अब g माइनस टू जी एक्स फंक्शन क्या था, जी एक्स फंक्शन था मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस में -2 लिखा जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 2, तो इसका आंसर क्या आया, 2। क्लियर हुआ, जी ऑफ एफ एक्स को क्या लिखते हैं अपन, जी एफ एक्स, एफ एक्स क्या था, किस पे चेक कर रहे हैं, -5/3 पे, तो एफ -5/3 हो गया। एफ -5/3 की वैल्यू आपके पास पता थी कितनी, -2, तो आपने पुट करी -2। अब ये जी एक्स फंक्शन के लिए बन गया, पूरा जी हो गया ना, तो जी एक्स फंक्शन मतलब एक्स को रिप्लेस कर रहा है -2, तो जी एक्स फंक्शन था हमारे पास मॉडुलस एक्स, तो यहां -2 पुट कर रहे, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। क्लियर हुआ, तो जी गॉफ के लिए तो हमें मिल गया 2, और एफ ऑफ जी फंक्शन के लिए क्या मिल रहा है, चेक कर लेते हैं।
इसको किस टाइप से लिखेंगे हम, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। इसको भी किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू माइनस 5/3 पे ही बोला हमने, तो यहां क्या हो जाएगा, एफ जी माइनस का 5/3, तो जी माइनस 5/3 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 5/3 आई थी, तो ये हो गया एफ ऑफ 5/3, क्लियर हो गया, एफ ऑफ 5/3। अब ये एफ फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको पुट करना पड़ेगा, एफ एक्स वाला फंक्शन बन गया ना अभी, तो अब आप यहां पुट कर रहे हैं 5/3। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमारे पास क्या था, डोमेन, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू। तो 5/3 का मतलब क्या हो, 1 point something, और 1 point something ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में है, तो क्या आएगा, 1 ही आंसर देगा ना, क्लियर हुआ। तो क्या आंसर मिल रहा हमें, गॉफ ऑफ माइनस 5/3 का आंसर तो मिला हमें 2, माइनस एफ ऑफ जी एक्स का फंक्शन मिल रहा है हमें माइनस 5/3 पे, कितना मिल रहा है, 1, तो 2 - 1 कितना आंसर मिला, 1, क्लियर हुआ। ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन आया सन में, बस कंपोजिट फंक्शन बोला जा रहा है, ऑलरेडी आपने कर चुके हैं इस टाइप क्वेश्चन कि एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, इस टाइप से क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं, करा ना आपने कि एफ ऑफ एफ एक्स इस टाइप के किया था ना, रियल वैल्यूज फंक्शन में रिप्लेस किया था ना, कन्वर्ट किया था आपने, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए थे आप, आया सन में। चलिए और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ी और क्लियरिटी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी इज द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, ध्यान है आपको, अगर ये क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देन आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स को हम जब सॉल्व करते हैं तो वो किसके इक्वलेंट आ रहा है, जी एक्स के, या फिर जी प्लस जी एक्स, मतलब जी प्लस जी एडिशन वाला ऑपरेशन आपने किया था तो वो इसके इक्वलेंट आ रहा है जी एक्स के, या फिर ये सही है, या एफ ऑफ जी एक्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो किसके इक्वलेंट आ रहा है, जी प्लस जी एक्स के, या फिर इन तीनों में से कोई सा भी सही नहीं है, नन ऑफ दिस। तो ये हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे, एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x, एंड जी एक्स फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इक्वल टू एक्स, मतलब इसका डोमेन क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू आर, एनी रियल वैल्यूज, और रेंज भी क्या आएगा, रियल नंबर, क्लियर हुआ। तो ये एफ एक्स फंक्शन मिल गया आपको और जी एक्स फंक्शन मिल गया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, इस टाइप से लिखेंगे ना। अब जी एक्स फंक्शन क्या है, एफ एक्स फंक्शन, ये पूरा बन गया एफ ऑफ जी एक्स, लेकिन ये ब्रैकेट में था हमारे पास, तो जी एक्स मतलब एफ एक्स फंक्शन जो था उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, जी एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ जी एक्स, इस टाइप से बन गया ना, कि जहां जहां एक्स था वहां क्या लिख दिया हमने, जी एक्स लिख दिया, और जी एक्स क्या था, एक्स, तो ये हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एक्स आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कि एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्विवेलेंट है, जी एक्स के इक्विवेलेंट है, जबकि जी एक्स क्या है, एक्स ही है, और हमारे पास क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एक्स, तो ए ऑप्शन तो सही नहीं है, क्लियर हुआ। अब कर रहे हैं जी प्लस जी एक्स, तो जी प्लस जी एक्स का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी एक्स प्लस जी एक्स, ऑलरेडी कर चुके हैं आप ऑपरेशन ऑफ रियल वैल्यूज फंक्शन। जी एक्स फंक्शन कितना था आपके पास, जी एक्स फंक्शन है आपके पास एक्स, और ये भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स कितना आ गया, 2x, तो जी प्लस जी एक्स जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 2x, और ऑप्शन बता रखे कि जी प्लस जी एक्स जब आप सॉल्व करेंगे तो वो जी एक्स के इक्विवेलेंट है, और जी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स, तो ये भी गलत हो गया ना, हमारे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ एक्स, जबकि वो किसके इक्विवेलेंट बता रहा है, एक्स के इक्विवेलेंट, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट फंक्शन बता रहा है एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, कितना आया था, ट्वाइस ऑफ एक्स, और इसने बता रखा है कि वो जी प्लस जी एक्स के इक्विवेलेंट है, तो जी प्लस जी एक्स भी हमने निकाल लिया था, किसके इक्विवेलेंट है, ट्वाइस ऑफ एक्स, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, ये क्लियर हो गया, ये सेटिस्फाई कर गया कि एफ ऑफ जी एक्स आपने सॉल्व किया कितना आया था, 2x आया था, और जी प्लस जी एक्स भी आपने सॉल्व किया कितना आया, 2x आया,
तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया? सी ऑप्शन क्लियर हुआ। लेकिन इसको हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ा क्योंकि और कुछ क्या गिवन कंडीशन हमारे पास नहीं थी, सिर्फ एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन हमारे पास गिवन थे। क्लियर हुआ किस टाइप से किया क्वेश्चन? आर एस एन में कंपोजिट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड जी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन देन जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स आपसे पूछा है क्या होगा? ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस वन या ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन या थर्ड ऑप्शन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू या लास्ट ऑप्शन है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। फटाफट सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपसे हो जाना चाहिए, बताइए फटाफट। बाकी यहां देखिए जिनको क्लियर नहीं है कि गॉफ ऑफ एक्स ठीक है या जी ऑफ एफ एक्स बोलेंगे आप इसको, तो क्या लिखा जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स इस टाइप से लिखा। अब ये एफ एक्स फंक्शन है लेकिन किसके लिए? जी के लिए, तो जी ऑफ एफ एक्स। तो जी एक्स फंक्शन हमारे पास क्या था? थ्री एक्स प्लस वन। तो अब जी एक्स की जगह मतलब एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें? एक्स की जगह रिप्लेस कर दें एफ एक्स। तो जहां जहां एक्स है उसको हमने लिख दिया थ्री एफ एक्स प्लस वन। अब ये हो गया एफ थ्री एफ एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है कितनी? एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एक्स की एफ एक्स की जगह आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का वन। सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन। सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू। क्लियर हुआ? और ये है ऑप्शन में हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, यस सी ऑप्शन। आया सन में क्लियर हुआ? इजी क्वेश्चन था ये तो, आया सन में ना आपको अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ एफ इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड जी इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड देन आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी एट वन, मतलब एट एक्स इक्वल टू वन पे आपको फाइंड आउट करना है, जो कि ऑप्शन है ई या लॉग ई टू द बेस ई जीरो या फिर लास्ट ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ ई। तो सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो बताइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे लिखते हैं, किया ना आपने लोगों ने? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं ई टू द पावर एक्स। नेक्स्ट है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन कैसे लिखते हैं आप? जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ठीक है टू एनी बेस ई लिख दीजिए ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है? एफ ऑफ जी वन निकालना है। तो एफ ऑफ जी सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या लिखें एफ, सबसे पहले इसको एक्स फॉर्म में देख लेते हैं हम ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया, क्लियर है? तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स मेरे पास क्या था? ई टू द पावर एक्स। तो ये बन गया मेरे लिए ई टू द पावर जी एक्स, जहां जहां एक्स था मैंने क्या रख दिया? जी एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब जी एक्स मेरे पास क्या है? लॉग एक्स टू द बेस ई। तो मैंने जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी लॉग एक्स टू द बेस ई। तो ये भी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि क्या टर्म बन रहा है, ये फॉर्म बन रही ना, क्या बन रहा है ये हमारे पास बन जाएगा x। आपको बताया था किसी की पावर अगर लॉग फॉर्म में है उसका बेस भी वही है जिसपे पावर हम देख रहे थे, तो जो वैल्यू है वह ऐसी आ जाती है। जैसे a टू द पावर लॉग देख रहे हैं और उसका बेस भी a ही है, यहाँ चाहे कितना भी हो अगर a टू द पावर लॉग देख रहे हैं उसका बेस भी a ही है, तो ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा ठीक है। अगर टेन टू द पावर लॉग देख रहे हैं उसका बेस भी टेन है और ये वैल्यू टू देखी जा रही है, तो ये सब हट जाएगा, क्या आ गया? टू आ गया। क्या था ना लॉगरिथम प्रॉपर्टी ये वाली, तो क्या आ गया इसका आंसर? एक्स आ गया ठीक है। अब आपसे किससे क्या पूछा है कि एफ ऑफ जी एट एक्स इक्वल टू वन, तो डायरेक्ट करते हैं इसको सॉल्व करते हुए हम यहां पहुंचे थे, तो डायरेक्ट अब एक्स की वैल्यू वन पुट कर दें अगर एक्स है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आ गया? वन आ गया। एफ ऑफ जी एट एक्स इक्वल टू वन पे क्या वैल्यू आ रही है? वन। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास वन है ही नहीं, है क्या वन? है वन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन।
लॉग ई टू द बेस ई, लॉग ई टू द बेस ई की वैल्यू क्या है? वन। बताया था ना आपको कि लॉग वैल्यू ई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? वन, अगर बेस नहीं भी लिख रहे हम तो, क्योंकि बेस कितना मान रहे हैं अपन, वो ई मानते हैं। और अगर लॉग ए लिखा जा रहा है और उसका बेस भी ए ही है तो क्या होगा? वन। ध्यान है ना, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन कि आया आंसर वन था लेकिन ऑप्शन में वन था ही नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा या तो अपनी यहां गलती भी है या फिर उसको हम सिंप्लीफाई करें। क्लियर हुआ? आप इसको इतना ना जाके, आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको प्रॉपर्टी ये वाली ध्यान नहीं थी, तो क्या कर सकते थे, अगर x की वैल्यू हम यहीं पुट कर देते वन, तो क्या था e की पावर log वन, और log वन की वैल्यू क्या होती है? log वन की वैल्यू होती है जीरो, तो e टू द पावर क्या बन गया? जीरो। और किसी की पावर भी जीरो हो तो क्या बन जाएगा? वो वन। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। मेन है जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको बताई जा रही है वो आप ध्यान में रखिए, तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल वैल्यू फंक्शन पर ही, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ एफ एक्स पूछा है आपसे, तीन बार एफ ऑफ एफ पूछा है, ठीक है, तो वो एट एक्स पे आपका आंसर क्या आ रहा है? थ्री एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर x अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, या फिर थ्री एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहली बात हमको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एफ ऑफ एफ एट एक्स पे, ठीक है, तो इतना लेंदी है तो आप हमेशा पीछे से स्टार्ट करो इसको, यहाँ राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करना शुरू करो, ठीक है, तो फिर आप यहां तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो एफ एक्स आपके पास आई, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एफ एक्स, तो ये पॉइंट तो है हमारे पास। अब एफ ऑफ एफ की बात कर लेते हैं पहले, किसकी? एफ ऑफ एफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एफ एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब एफ एक्स आपके पास था ये, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा कि जहां जहां एक्स है वहां आप क्या पुट कर दोगे? एफ एक्स। तो ये बन गया ना आपका एफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स, एक्स इसे क्या आ गया? एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एफ एक्स था क्या वो पुट कर दीजिए आप, एफ एक्स था आपके पास एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय, यहां पर भी आप पुट कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ वन प्लस एफ एक्स, एफ एक्स क्या था? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म थी, ठीक है। और यहां वन प्लस ये स्क्वायरिंग फॉर्म में था, देखिए क्या था कि ये एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर था, तो यहां तो एफ एक्स कर दिया आपने, और ये था वन प्लस एफ एक्स का स्क्वायर था, तो एफ एक्स तो आपने पुट कर दिया, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे जो रूट फॉर्म थी ये रूट हट जाएगा। क्लियर हुआ? अब ऊपर वाला ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं तो हम यहां लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, ऊपर तो ऐसी है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहां जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम लेके क्या टर्म बन रही है, ये अंडर रूट में क्या टर्म आ गई, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया आपका वन प्लस टू एक्स का स्क्वायर, और इसको हम वापस किस में लिख देते हैं, रूट फॉर्म में लिख देते हैं सेपरेटली, वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? अब वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट में और वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट में ये टर्म कट गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास टर्म आ गई एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स का स्क्वायर, यही टर्म बच रहा है, किसकी वैल्यू? एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू। यहां तक क्लियर हुआ क्या टर्म बच रही है आपके पास? अब आपने इतना सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कीजिए कि एफ ऑफ एफ एक्स पे आप चेक कर रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब इस पूरे की वैल्यू आपने निकाल ली है तो वो आप लिख दीजिए, इस पूरी टर्म की वैल्यू निकाल ली ना आपने, तो ये टर्म की वैल्यू आपने निकाल ली क्या, ये वाली टर्म, ठीक है, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं, अगर कंफ्यूज इतना लेंदी जा रहा है तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया वाई, ठीक है,
तो एफ वाई ये कंडीशन हमारे पास थी, ठीक, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली थी। तो अब आपके पास एफ एक्स फंक्शन की जगह क्या पुट कर दोगे, वाई, तो आपके लिए हो गया वाई अपॉन अनरूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना लंबा हमसे नहीं लिखा जा रहा था, हमने एक अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब वाई था क्या, इस टर्म को आपने वाई अज्यूम किया था ना, इस टर्म को आपने वाई अज्यूम किया था, तो वाई इक्वल टू क्या था, एक्स अपॉन अनरूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या था, एक्स अपॉन अनरूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, यही टर्म पुट कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या थी, यही टर्म थी, तो ये आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर। रूट हट जाएगा लेकिन ओवरऑल रूट तो रहेगा, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये एक्स अपॉन अनरूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर ये तो रह गया, होल डिवाइड बाय, यहां आप एलसीएम ले रहे हैं तो 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन गया, 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये रूट में है, और होल डिवाइड बाय ये भी रूट में रह जाएगा, 1 प्लस 2x का स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बच रहा है आपके पास, एक्स अपॉन अनरूट ऑफ 1 प्लस 3x का स्क्वायर, क्लियर हुआ, है ऑप्शन में अपने पास, ये हमारे पास बी ऑप्शन है, आया सन में आपको, क्लियर हुआ। तो थोड़ा लेंदी था लेकिन हम एक एक टर्म को सॉल्व करते हुए गए तो हमने सॉल्व कर लिया, यहां चाहे अज्यूम करें चाहे ना करें, ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है। जैसे इसको हमने वाई लिख लिया था तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जहां जहां एक्स था उसको हमने वाई पुट कर दिया, अब वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो वाई की वैल्यू क्या थी, ये टर्म थी, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी। और आप नहीं भी लिखते तो आप एफ ऑफ एफ एफ एक्स लिखते, और ये भी नहीं लिखते तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, बस ये है कि सिंगल फॉर्म में लेते हुए हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं, लेकिन स्पीड भी बनाए रखनी है आपको। ठीक है, क्लियर हुआ, आया सन में, नेक्स्ट क्लास में हम और इस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे तो थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी, क्लियर है।